तू पागल है, तेरी टी शर्ट पे टाटा नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन। प्लीज एक्सेप्ट दैट, दैट वाज गुड, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ये गाड़ी ली जा रही है। ईशु कौन सी गाड़ी है? देख रहे हो क्या हो रही है? ये खुशी गाड़ी मिलने की है या फिर टाटा पंच? ये अबे ओ हेलो, ऐसे कान पे रहते हो? आई एम सो हैप्पी। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे। कल तो मेरे से फूटा नहीं था नारियल, तो उस वाले प्रोसेस, उस वाली प्रथा को मैं दोबारा करने वाला हूँ। हंस क्या रही हो जाएगा, ठीक है? कल अंधेरा था इसलिए मेरे को दिखा नहीं था नीचे, इसलिए नहीं हो पाया था। हाँ हाँ, इसलिए वो पावर नहीं आई थी मेरी हल्क वाली, अभी आ जाएगी। दैट्स व्हाई द कलर इज ग्रासलैंड बीच। हेलो गाइज, ये देखिए आपका क्लियर लाइफ रोहित फिर से तैयार है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, ठीक है मम्मी इधर आ जाओ। ओके चलो कट कर देना जल्दी। हां ठीक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वाह बट फट गया देखो। इसलिए कहते हैं थोड़ा बल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। डिड वर्क, ओके थोड़ा ढंग से करो और उस पर डाल दो बस। जय बजरंगबली। Let's not do that. चलो गाइज आपको पहले अंदर तो ले जाऊं एटलीस्ट। दिस इज नेक्सॉन काजीरंगा ग्रासलैंड बीच एंड मैंने फाइनली फोड़ लिया। अच्छा मम्मी पहले मुझे ये बताओ कि जब भी हम नई गाड़ी या फिर नया सामान लेते हैं पिटना है कि बताओ पहले कि क्यों करते हैं हम पूजा? कोई भी नया काम करने से पहले शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अपने परमेश्वर को पहले याद करना चाहिए। तो तुम मुझे याद करो। धन्यवाद करना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इस लाइफ बनाया जो हम गाड़ी ले पाए। बिल्कुल। द नेक्स्ट डे गाइस, आज मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड हुआ नोएडा मेट्रो से। आई डोंट नो ये दिल्ली मेट्रो में भी है। कोविड के टाइम पे दे आर आस्किंग फॉर कैश फॉर अ टिकट, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कौन सा स्टेशन पर जाना है। मुझे लगता है तुम्हें टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड हो गई है। दिशा पता नहीं, दिशा पता नहीं। दैट वॉज गुड, प्लीज एक्सेप्ट दैट, दैट वॉज गुड, that is interesting, that was some engineering skills or no. science skills no. kya meri izzat ka faluda hoga ho gaya aur fir aayi meri angel priya after a long barso baad dekh rahe ho meri english after a long barso baad hum log metro mein chadhne wale hain kis liye t-shirt notice kari by the way swaad hi aa gaya pagal hai kya link डिस्क्रिप्शन में गो चेक आउट। ये स्पेशली इसकी टैगलाइंस पागल है क्या? और ये मेरी टैगलाइन स्वाद ही आ गया। गाइस अगर आप दिल्ली नोएडा में रहते हो तो मेट्रो में तो डेफिनेटली चढ़े होगे। क्या नहीं चढ़े? लानत है। क्या 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 लक लक लानता। पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है यार, लक लानता सब पे है ना, खाली पड़ा मेट्रो स्टेशन, कोई मेट्रो ट्रेवल नहीं करना चाहता। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कॉलेज की खत्म होने के बाद ना मेरी जॉब नहीं लगी थी एटलीस्ट 2-3 महीने तक। ऑफर लेटर आ गया था बट मैं घर में पड़ा हुआ था, तो मैं सिखाया करता था डांस वर्क करके था कुछ, तो गुड़गांव में मयूर विहार से जाता था हुडा सिटी सेंटर तक। जो गुड़गांव में रहता है दे नो व्हाट हुडा सिटी सेंटर मींस टू देयर लाइफ। वहाँ से सीट मिलती है यार। तो 2 घंटे की क्लास दे के थका हारा आने के बाद जब हुडा सिटी सेंटर से धक्का मुक्की के बाद सीट मिला करती थी, सीट मिले हेडफोन्स अप हेड डाउन और एमजी रोड इफको तक आते आते ना सामने से भीड़ लग जाया करती थी। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे से ज्यादा ना उस टाइम हराम ज्यादा कोई नहीं हुआ करता होगा। मतलब अगर हराम जादगी की कॉम्पिटिशन हो ना तो उस पर मेरे को किम जोंग उन खुद आके पुरस्कार दे। नहीं मतलब सही कह रहा हूँ, क्यों जैसे ही इफको चौक एमजी रोड मेट्रो स्टेशन आए सामने ऐसे से भीड़ लग जाए और जो सामने वाले जो खड़े होते थे उनकी आंखों में एक उम्मीद होती थी कि ये बंदा सीट दे देगा। और मैं भी क्या बोलूं, हरामजादगी थी अपने अंदर, वो मेरे को देखे मैं उसको देखे, मैं एक्टिंग करूं बैग खोलने की और बंद करने की और हेडफोन्स निकाल के बैग में रखने की। और जैसे ही नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आए मैं करता था उठने की एक्टिंग और जैसे ही मेट्रो का गेट खुले मैं वापस बैठ जाया करता था। और जो सामने वाला बंदे की आंखों की प्यूपिल के अंदर जो इमोशनल डैमेज दिखता था ना, यू नो होप्स क्रैशिंग, बताओ इससे ज्यादा हरामजादगी किसी ने दिखाई होगी अभी तक? तो गाइस अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शिल्पा का एडमिशन कराने कॉलेज में।
जहाँ पर बीटेक इन हरामजादगी होती है। और ये बीटेक इन हरामजादगी कहाँ होती है? एमिटी में, जहाँ से मैंने भी अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई करी है और विच आई एम ऑल्सो नॉट सो प्राउड ऑफ। बट तुम्हें भी मेरे जैसा हरामजादा होना चाहिए सो दैट यू कैन ऑल्सो बी नोन एज हरामजादी। मेट्रो में ना खाना वर्जित होता है, ठीक है? कोई हमारी वीडियो डाल देगा कपल्स फाइटिंग इन मेट्रो और हम वायरल हो जाएंगे। फिर नीचे हम कमेंट में मेंशन कर, फिर नीचे हम कमेंट कर देंगे ना क्रेडिट्स दे साले। गाइस अभी काम फिनिश करके अभी सीधा मिलते हैं गाड़ी में, तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। कमेंट्स में बोला कि सबसे पहले इसको हटाओ, क्रैच मार देती है क्या? इसको हम पहली वॉश जो होगी उसी में करवाते हैं, वरना मैं अभी हटाना नहीं चाह रहा। बस ये स्क्रैच तो नहीं मारेंगे ना, मतलब कुछ गंदा तो नहीं होगा ना इस पे पेंट वेंट पे। चलो कहीं बाहर चलते हैं और इसका मस्त सा आपको रिव्यू देता हूँ अभी तक का जितना मैंने ऑब्जर्व करा, और ये बताता हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। माई मॉम थिंक्स यू आर क्यूट। देख रहे हो गाइस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा टैगलाइन है नहीं, बट अच्छा है ये। ये रही इसकी चावी और ये रही मेरे सामने टाटा नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन, जो हाँ शिल्पा की चॉइस है और मेरी भी चॉइस है। कि जब से इसने दिमाग में सोचा था ना कि गाड़ी लेनी है, दिमाग में सोचते हैं कॉमर्स की नेक्सॉन ही ले। मैंने ये गाड़ी क्यों ली, और अभी तक जिस जिसको कंफ्यूजन है कि पंच लिया है पंच नहीं है नेक्सॉन का। एक तो इसका ये वाला लोगो यार। आर वी रियली कंट्रीब्यूटिंग टू दी काजीरंगा नेशनल पार्क? यस वी आर, एज प्रॉमिस्ड बाय रतन टाटा सर। अपन बहुत जल्दी प्लान बना रहे हैं काजीरंगा डायरेक्टली विजिट करने का। अभी पहले नंबर प्लेट आएगा, टेम्परेरी नंबर, बहुत झंझट है। पहले तो मैं आपको एक वॉक अराउंड दे दूं मस्त वाला। ये है लुक, मुझे इसके पीछे के लुक से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छी लगी। एंड अगेन लुक्स आर सब्जेक्टिव। ये है इसका साइड लुक, आई लव दी ब्लैक अलॉयज। और सामने का जो लुक है वो है रेंज रोवर से इंस्पायर्ड। मीनवाइल टाटा इज लाइक खुद का ही माल है, कर लो जो करना है। आप बताना चाहेंगी ये गाड़ी हमने क्यों चूज करी? बजट फ्रेंडली। दूसरी बात फैमिली फ्रेंडली, इसमें हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, वो भी खुले खुले। थर्ड रीजन भर के फीचर्स, बहुत फीचर्स हैं। क्रूज कंट्रोल है ऊपर, वो क्या बोलते हैं उसको, मून रूफ, चांद रूफ, सितारा रूफ, सनरूफ, यू डम्बो। मेनली गाइज मैंने ये टूरिंग के लिए ली थी, बिकॉज मेरा सिटी का ड्राइविंग एज सच उतना कुछ खास ज्यादा नहीं है। ज्यादा ज्यादा अपने ससुराल या फिर कुछ आसपास कुछ कुछ काम हो तो गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, अदरवाइज मोस्टली मैं बाइक लेके जाता हूँ क्योंकि उसमें एवरेज थोड़ा ज्यादा मिलता है ना। बाकी मेन रीजन था सिर्फ और सिर्फ टूरिंग। और इसकी आप देख रहे हो ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm। क्या होता है मिलीमीटर क्या होता है? आप बोल रही है तू, सुन लिया तूने उससे? पहले मैं आपको बता चुका था कि मेरा बजट मैंने पहले से कम किया हुआ है, और उस बजट में जो मैंने देखी थी टाइगोन खुशाक, वो पड़ रही थी मुझे अराउंड 18 लाख, जिसमें क्रूज कंट्रोल था एंड सनरूफ एंड ऑल जो मुझे फीचर्स चाहिए थे, जो फीचर्स मेरे बजट में नहीं आ रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो आई हैड टू गो फॉर नेक्सॉन, एंड नेक्सॉन इज अ गुड कार। जब से मैंने इसकी एस क्रॉस चलाई थी ना उसमें क्रूज कंट्रोल था, और उसको चला चला के ना मेरी आदत इतनी गंदी हो गई, आई हैड टू हैव अ क्रूज कंट्रोल व्हाइल आई एम टूरिंग। इट्स लाइक शेर के मुंह में मांस छका छका, शेर के मुंह खून लग जाना, वट एवर। ऑल्सो मैं ऐड करना चाहूंगा लुक्स आर सब्जेक्टिव, तो इस पे प्लीज कमेंट में बहस मत करना कि इसके लुक्स अच्छे नहीं उसके लुक्स अच्छे हैं, सबकी अपनी चॉइस है यार। एंड मेरे को लिटरली इसमें कोई कमी नहीं लगती एज इन लुक्स। ऊपर से कलर एक्चुअली जो कि मेरी चॉइस थी, मेरी 130 प्लस मैं अभी तक इसको ऑलरेडी चला चुका हूँ, और मुझे लिटरली इंजन में कुछ एज सच फील नहीं हुआ जितना मैंने यूट्यूब में कॉमेंट्स पढ़ के देखा था। मारे देश का लोहा है। That went. और lastly, like I said, इस बजट में 5-star रेटिंग और वेंटिलेटेड सीट्स। ये गाड़ी को ऑन करो और उसके बाद इसको ऑन करो। ओए होए होए होए। ये क्या हो रहा है? सारी फील तुम यही ले लो।
तो कैसा लगा मेरा छोटा मोटा सा रिव्यू? डू लेट मी नो, आपको इस पे पूरा फुल रिव्यू चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, कमेंट जरूर करना कि आपको टाटा नेक्सॉन काजीरंगा मेरी मेहनत वाली कमाई हुई गाड़ी कैसी लगी? कैसी लगी? कैसी लगी? विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते बूम। पागल है क्या तू? पागल है, तेरी टी शर्ट पे भी लगा है, तू पागल है। लिखा है कि पागल है क्या तू? छोटी बच्ची है क्या?